हेलो एवरीवन एंड अ वेरी बॉम वेलकम टू एप टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर ट्वेंटी ऑफ द एफएम कंपोनेंट और आज हम मॉड्यूल सी के ही लास्ट जो चैप्टर्स हैं जो टॉपिक्स हैं उनके डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं सो लुकिंग एट दिस स्केड्यूल टुडे वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इस अकाउंटिंग ऑफ रीज ट्रांजेक्शन लीजिंग एज अ फाइनेंशियल डिसीजन वर्किंग कैपिटल साइकिल रेगुलेशन ऑफ द बैंक फिनास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंशन ऑफ डेरेवेट फ्यूचर्स फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स दीज आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे राइट सो अराउंड फाइव सिक्स मार्क्स का जो हमारा पेपर है वो इसी टॉपिक से आता है जो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सो दीज आर द टू डिफरेंट डेज लेक्चर्स थर्ड एंड फोर्थ अक्टूबर ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो फोर्थ अक्टूबर को ही हम लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड अक्टूबर हम थर्ड अक्टूबर को लेक्चर आप लोगों को नहीं दे पाए थे सो हम वो सारे टॉपिक्स चार अक्टूबर को ही आज कवर कर लेते हैं ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंगेड बिफोर मूविंग अहेड लेटमी अगेन रिमाइंड यू अबाउट क्रैश कोर्स दैट वी है जिसमें हम एफ एम के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो हमें फिफ्टी प्लस मार्क्स लाने के लिए पता होने चाहिए और वो न्यूमेरिकल वो टॉपिक्स वो कॉन्सेप्टी टू गेट मोर देन फिफ्टी मार्क्स इन दाम वी विल बी कवरिंग ऑल दैट इन ट्वेंटी आवर्स ओनली राइट इन एडिशन टू दिस आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं रिविजन के लिए इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है फाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं यानी कि हंड्रेड क्वेश्चन फॉर एवरी टेस्ट फाइव हंड्रेड क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज क्विजेस मिलते हैं आपको हर चैप्टर के बाद आपको क्विज मिलते हैं सॉल्व करने के लिए तो इन टोटल अगर आप देखो सो अराउंड थर्टीन हंड्रेड एमसीक्यूज यू विल बी गेटिंग इन द कोर्स एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि दिस कोर्स इज ओनली अवेलेबल इन सेवन हंड्रेड रुपीज इफ यू यूज द कोर्स जे ए आई आई बी सेवेंटी सेवेंटी परसेंट ऑफ के साथ आपको ये, ये जो पूरा कोर्स है वो आपको मिलता है तो एक बार इस कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप अभी तक ए को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ए इतना बस पढ़ लें कि हम पास हो जाएं तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो बेस्ट होने वाला है प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एक बार इस कोर्स को आप चेकआउट करिए अगर आपको सही लगता है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट सो नाउ लेटेस्ट टॉक अबाउट टॉपिक ऑफ द डे दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस सो ये हमारी कुछ अलग अलग तरीके की लीज टाइप्स होती हैं, इन सभी लीज टाइप्स के बारे में कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक लीज इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर लीज डायरेक्ट लीज लेवरेज लीज ये सारी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लीजें होती हैं। जो ऑपरेटिंग और financial lease है, इसकी हम लोग अभी बात करेंगे में, लेकिन सबसे पहले सेल एंड लीज बैक होता है कि टेकन बैक ऑन द लीज सो अभी तक हमने ऑलरेडी ये देख लिया है, my dear friends, की lease का मतलब क्या होता है लेसर पर्सन इज नोन एज लेसी राइट और एक एसेट होता है इस एसेट को रेंट पे या लीज पे दिया जाता है बाय द लेट टू द दसीसी एंड इन रिटर्न द विल गिव दी रेंटल टू द देंटल राइट तो ये हमारी लीज की एक बेसिक अरेंजमेंट होती है यहां पर अगर हम डायरेक्ट जो, 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 जो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन अगर इसकी बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है एसेट को एक पार्टी ओन करती है एंड इट इज सोल्ड टू अदर पार्टी एंड साइमल्टेनियसली टेकन बैक ऑन द लीज यानी कि मेरे पास एक एसेट है वो मैं आपको बेच दूंगा ठीक है मैंने आपको सेल कर दिया और आपसे वो एसेट दोबारा लीज पे ले लिया

राइट नेक्स्ट इज डोमेस्टिक लीज ऑल पार्टीज पार्टीजर इन्वॉल्व इन लीज दे आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया अगर सारी इंडियन पार्टीज हैं जो आपस में लीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं डोमेस्टिक लीज है और उसका उल्टा क्या होगा इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर लीज लीज जहां पर एग्रीमेंट में कोई भी एक पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है वो इंडिया में डोमिसाइल्ड नहीं है राइट देन कम्स डायरेक्ट लीज लेस दसेट और परचेज डायरेक्टली टू लीज इट टू लीज इट टू द लेसी इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट को खरीदा सिर्फ लीज पे देने के लिए है तो इसको हम डायरेक्ट लीज बोलते हैं मैंने एसेट ही क्यों खरीदा मैंने कोई कार खरीदी बिल्डिंग खरीदी सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि मुझे लीज पे देना है उसको तो मैं इसको डायरेक्ट लीज बोलता हूं सिमिलरली लेवरेज लीज में क्या होगा मनी टू परचेज एंड देन लीज दैट एसेट टू द लेसी यानी कि मैंने एक एसेट खरीदा है लोन लेकर के और फिर मैंने उस एसेट को लीज आउट कर दिया तो यहां पर तीन पार्टी जो है वो लीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो लेसौर है एक लेसी है और दूसरा वो बैंक या वो फाइनेंसर जिससे लोन लेकर के लेसौर ने एसेट को खरीदा था

ट्रांसफर कर दिए जाए टू द तब हम उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज इसको डिफाइन किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन वन सिक्स में यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लीजेस को लेकर के किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी वो सारी इंफॉर्मेशन देता है तो फाइनेंस लीज में क्या हो रहा है आप एसेट को लीज पे दे रहे हो किसी को रेंट पे दे रहे हो लेकिन उस एसेट की ओनरशिप

यहां पर अब वो क्या रहा है कि एसेट से जो भी इनकम डिराइव हो सकती है एसेट से जो भी फायदा डिराइव हो सकता है वो फायदा भी अब लेसी को मिलेगा ना कि लेसर को मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज राइट सुधा इसके बाद एक और पेक्युलर फीचर क्या है ओनरशिप ऑफ विल बी ट्रांसफर टू द लेसी ऑन कंप्लीशन ऑफ द लीज पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द लीज पीरियड इज कंप्लीट जो लेसी है वही ओनर बन जाएगा यानी कि पूरा जो एसेट है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी लेसी को और यहां पर इस तरीके से यह भी समझ सकते हो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब द लीज रेंटल विच आर गिवेन बाय द ले टू दसर देज रेंटलो बेसिकली वर्क एज अ फाइनेंसिंग टूल कैसे फाइनेंसिंग टूल बन गया क्योंकि मुझे एक एसेट चाहिए और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक वो पे लेना चाहता हूं। तो मैंने एक अपने, जो भी ऑफिस स्पेस का ओनर है, है मैंने कहा काम करो आप मुझे ऑफिस स्पेस लीज पे दे दो मैं आपको दस साल बाद ये जो पूरा ऑफिस स्पेस है खरीद लूंगा तो जब दस साल की लीज ओवर हो जाएगी तो मैं आपसे पूरी स्पेस खरीद लूंगा इन द

प्रैक्टिकली ओन करना चाहते हो उससे जुड़े सारे फायदे नुकसान झेलना चाहते हो तो वो आप फाइनेंस लीज में एंटर करते हो ठीक है तो फाइनेंस लीज से जुड़े हुए नॉर्मल इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है लेसी को लीज टर्म एंड होने के बाद लेसी के पास ऑप्शन होता है ऑप्शन होता है

उन सभी लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उस एसेट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तभी जो एसेट जो लीज टर्म होगा जब वो ओवर होगा तो वो पूरे एसेट की ओनरशिप भी मेरे पास आ जाएगी क्योंकि बेसिकली मैंने पूरे लीज पीरियड के दौरान उस एसेट की पेमेंट आपको कर दिए राइट right, उसकी वैल्यू आपको पे कर ही दी है राइट इसमें कैंसिलेशन का राइट भी होता है लेसी अगर चाहे तो वो लीज को कैंसिल कर सकता है और लेसर के जो लॉसेस है कैंसिलेशन की वजह से वो भी लेसी बोर्न करेगा अगर वो चाहे तो बीच में कैंसिल कर दे और जो भी नुकसान लेसर को हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कर दे राइट right? तो दीज आर दी प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस लीज फिर आती है ऑपरेटिंग लीज यहां पर क्या हो रहा है हेयर द लीज इज क्लासीफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज इफ इट डज नॉट ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू दी ओनरशिप जो भी ओनरशिप के साथ जुड़े हुए रिस्क या रिवार्ड हैं, अगर वो लेसी को ट्रांसफर नहीं होते तो हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज तो फाइनास और ऑपरेटिंग लीज में बेसिक डिफरेंस यही है दैट वंस यू गेट इनटू एन ऑपरेटिंग लीज आपने एसेट को लीज पे लिया है लेकिन उसका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना उससे जुड़ा कोई टैक्स आपको नहीं देना आपको सिर्फ उस एसेट को यूज करना है एज अ रेंटल राइट द सिचुएशन अंडर विच सच लीज इज यू नो क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज इज वेन द लीज टर्म इज सब्सटेंशियली लेस देन ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ द एसेट एंड द हैज द राइट टू कैंसल द लीज विदाउट पेइंग एनी सब्सटेंशियल पेनल्टीज दीज आर द टू

यू uh, नो you know, यहां पर अगर हम बात करें तो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज कैसे भी हो इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर बेसिकली ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो रही है वो डिसाइड करता है कि लीज ओनरशिप की ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंसिंग लीज है राइट right? एन ऑपरेटिंग लीज इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ वेट लीज याद रखिएगा ऑपरेटिंग लीज को वेट लीज भी बोलते हैं इफ द लेसर प्रोवाइड रिलेटेड सर्विसेज फॉर ऑपरेटिंग द एसेट एंड केयर ऑफ इंश्योरेंस मेंटेनेंस एटसेट्रा अदरवाइज इट इज क्लासीफाइड एज अ लीज वेट लीज कब होगी जब ओनर जो एसेट का है जो लेसर है वो एसेट की देख रहे एक एसेट का मेंटेनेंस एसेट से जुड़ा इंश्योरेंस एसेट से जुड़ा जो भी बाकी टैक्सेस हैं वो कौन पे कर रहा है ओनर पे कर रहा है और लेसी सिर्फ एसेट को यूज कर रहा है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए और उसकी रेंटल पेमेंट दे रहा है तो ये हमारी एक वेट लीज बन जाती है अदरवाइज ये जो लीज है वो ड्राई लीज कहलाती है क्लियर हो गया नाउ व्हाट अबाउट जीएसटी ऑन द लीज ट्रांजेक्शन तो मानकर चलिए जीएसटी जो है वो लीज ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है क्योंकि जो सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी का एक्ट है वो क्या बोलता है हमें दैट दस वर्ड सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस राइट right. उसमें लिखा गया है कि जीएसटी किस पे लगेगा किसी भी तरीके की गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे लगेगा जिसमें आपका सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल भी आता है तो लीज जो है वो आपका जीएसटी के अंदर कवर हो गया तो जब भी आप कोई लीज ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है चाहे किसी भी तरीके की लीज आप ले रहे हो जीएसटी आपको आपको जो है देना पड़ेगा इसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि अगर गवर्नमेंट कुछ अपनी गवर्नमेंट लैंड को या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लीज पे देती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को तो वो जीएसटी से बाहर है इसके अलावा बाकी सभी जीएसटी जो आ, जो भी लीज ट्रांजेक्शन है लीज जब भी एग्रीमेंट साइन होगा उसके ऊपर आपको जीएसटी साइन करना पड़ेगा जीएसटी पे करना पड़ेगा क्लियर है नाउ वट अबाउट इनकम टैक्स सो इनकम टैक्स ऑल्सो डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेज स्पेशली द फिनास और ऑपरेटिंग लीज लेकिन यहां पर लेसर और लेसी इन दोनों पे फर्क पड़ता है लेसर कौन है ही इज बेसिकली ओनर ऑफ द राइट सो ही इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दी अगर एसेट ओन कर रहे हो तो एसेट का जो टाइम के साथ डेप्रिसिएशन होगा वैल्यू में उसको आप अपने एक्सपेंस की तरह दिखाओगे और वो आप अपने इनकम टैक्स में से अपने टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करते हो तो यहां पर जो लेसोर है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है राइट right? और जो उसको रेंटल पेमेंट मिलती है उसको जो रेंटल पेमेंट मिलती है वो उसकी इनकम की तरह टैक्स होती है तो उसकी इनकम जो भी टैक्सेबल इनकम बनेगी इस टैक्सेबल इनकम में आपका जो लीज रेंटल है वो जुड़ जाएगा और क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट क्लियर अगर लेसी की बात करें जिसने एसेट को लीज पे लिया है ही इज़ द पर्सन हु हैज़ टेकन द एसेट ऑन लीज सो ही कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट uh, की डिडक्शन जो है अपने इनकम में से नहीं uh, जो है क्लेम uh, करवा सकता इसी के साथ वो जो रेंटल्स देता है उसे एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकता है सो फॉर हिज टैक्सेबल इनकम ही विल ओनली डिडक्ट द रेंटल्स जो उसने रेंटल दिया वो खर्चे की तरह दिखाएगा बाकी डेप्रिसिएशन भी वो क्लेम नहीं कर पाएगा

रॉ मेटेरियल खरीदा उसके लिए आपने कुछ पेमेंट करी होगी या आपने पेमेंट नहीं करी और आपने क्रेडिट पे रॉ मेटेरियल प्रोक्योर किया और बोला कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे ओके नाउ आफ्टर रॉ मेटेरियल प्रोक्योरमेंट यू विल प्रोसेस द रॉ मेटीरियल उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करोगे उसमें फिनिश गुड्स बनाओगे उस फिनिश गुड्स को सेल करोगे सेल करोगे तो हो सकता है उसमें भी आपको फ्यूचर पेमेंट पे प्रॉमिस करके सेल किया हो आपने क्रेडिट पे सेल किया हो और फिर ये जो फ्यूचर पेमेंट आनी थी ये पेमेंट आपके पास आएगी आपने जो सेल किया वो क्रेडिट पे पेमेंट आएगी तो ये जब कैश आ जाएगा इस पूरी साइकिल को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द साइकिल बिगिन विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता सेल होने के बाद तब तक हम उस पूरी टाइम पीरियड को वर्किंग कैपिटल के साइकिल मानकर चलते हैं राइट right? तो अब यहां पर आपको देखना है कि ये जो साइकिल है इसकी लेंथ ये कितना लंबी साइकिल होगी किस किस पे डिपेंड करता है कि पहले तो किस तरीके का रॉ मटेरियल आपको चाहिए और कितने अमाउंट के रॉ मटेरियल आपको चाहिए आपका जो काम है जो प्रोसेसिंग आप करते हो उस वो प्रोसेसिंग जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है वो प्रोसेस कितना लंबा है वो छोटा प्रोसेस है या लंबा प्रोसेस है इसके अलावा जो भी क्रेडिट आपको चाहिए जो भी आप क्रेडिट परचेजर्स को प्रोवाइड करते हो क्रेडिट रिक्वायर टू ये क्रेडिट कितना होगा इस पर भी डिपेंड करता है यानी कि आपने कितना सामान जो है, क्रेडिट के ऊपर सेल किया है एंड द वर्किंग साइकिल द लॉन्गर द मोर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर लंबी होगी तो आपको वर्किंग कैपिटल जो, जो है वो ज्यादा चाहिए होगी इसका मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि आपने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया यहां से रॉ मेटेरियल प्रोक्योरमेंट से और आपके पास इनकम तब तक नहीं आएगी जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो इस पूरे बीच के टाइम में आप लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी आपको जो बिल्स हैं वो बिल्स पे करने पड़ेंगे आपको हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो आपने जहां से खरीदा है वहां भी लोगों को पैसे वापस करने पड़े तो आपको कैश की पैसे की कैपिटल की जरूरत पड़ती रहती है जब तक आपको कैश रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं हो जाता उस पूरी साइकिल को रन करने के लिए आपको पैसा चाहिए और उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल क्लियर नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल को अगर हम बहुत ही सिंपल uh, तरीके से डिफाइन करें तो ये एक बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस होता है राइट सो द अमाउंट एंड टाइप ऑफ करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स आपके पास जो हैं जो कि फर्म के पास होने चाहिए फॉर स्मूथली कंडक्टिंग इट्स बिजनेस ये किस चीज पे डिपेंड करता है मेरे पास क्या एसेट मेरे, मेरे पास कैश होना चाहिए मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए जिस रॉ मटेरियल को सेल प्रोसेस uh, करके मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा वो जो फिनिश गुड्स मैंने बना लिए वो भी मेरे पास क्या है वो भी एक मेरे लिए एसेट है जब मैं उसको बेचूंगा तब मेरे पास कैश बनेगा और अगर मैं इसे क्रेडिट पे सेल करता हूं तो शॉर्ट टर्म जो बिल्स बनते हैं शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट मैंने दिया है वो भी मेरा एसेट है ये सारे करंट एसेट्स हैं अब ये करंट एसेट्स किस तरीके के होंगे ये मेरे बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है मेरे बिजनेस का साइज कितना है मेरी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है क्या मेरा बिजनेस सीजनल है क्या मेरी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है छोटी है इन सभी चीजों को

फॉर्म्स के पास कुछ अक्रूवल्स हो सकते हैं एप्रूवल्स का मतलब होता है देर आर सर्टन डिलेड पेमेंट्स बींग मेड आपके बिजली का बिल बन चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है तो अभी तक आपने पे नहीं किया तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी है लेकिन वो बिजली का बिल आपके पास पड़ा हुआ है आप उसको यूज कर सकते हो आप उसको फ्यूचर में पे कर दोगे लेकिन वो पैसा जो है अभी आप वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हो आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो आप क्रेडिट में सामान खरीद सकते हो तो लोन ले सकते हो अपने सप्लायर से अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए आप बैंक से जाके लोन ले सकते हो अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए आप पब्लिक से लोन ले सकते हो ब्लिक डिपोजिट्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू आप दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हो आप uh, डिवेंचर इशू कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के लिए कॉमर्शियल पेपर आर मेथड्स थ्रू मनी इज रेगुलरली रेस्ड और ये इसका सिंपल मतलब है शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है मानकर चलिए एक साल या एक अकाउंटिंग पीरियड से कम टाइम के लिए जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग राइट नाउ What are the sources? First of all, firms own working capital fund. Firm के खुद के फंड होते हैं। जैसे कि all the current assets of a firm they are financed by short term sources of funds. The firm may frequently face the crisis of liquidity. अगर firm अपने खुद के profits को खुद के पैसे को ही use करके सारे short term sources जो हैं, उनको use करके अगर assets खरीदता है, तो firm को तो हो सकता है कि liquidity की दिक्कत आए। तो firm usually क्या करते हैं? A reasonable portion of the total current assets should be financed through long term sources of finance. This is known as the net working capital. मतलब क्या हुआ तो हमने यहां पर एक सिंपल इक्वेशन बोली सिंपल इक्वेशन क्या है एक आपने इक्वेशन पढ़ी है A L C. जितने भी एसेट होते हैं कंपनी कंपनी के के पास वो एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी के बराबर होते हैं लोन्स जो लिए गए हैं लायबिलिटीज एक्सटर्नल प्लस द कैपिटल विच इज लायबिलिटी इंटरनल राइट नाउ ऑल एसेट्स दिस इंक्लूड्स योर इंक्लूड्स योर करंट एसेट्स प्लस प्लस फिक्स्ड एसेट्स ये सारे एसेट्स जो हैं वो करंट या फिक्स इन दोनों में तब्दील हो सकते हैं जो भी लोन लिया है मैंने एक्सटर्नल ये जो शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है जिसको मैं करंट लाइबिलिटी बोल सकता हूं या लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है जिन्हें मैं टर्म लोन बोल सकता हूं और फिर आती है मेरी कैपिटल कैपिटल तो लॉन्ग टर्म फंड ही होती है कैपिटल तो ओनर्स का पैसा है तो ये तो लॉन्ग टर्म ही होगा क्लियर ये जो लोन्स है एक्सटर्नल ये शॉर्ट टर्म लोन हो सकते हैं यानी कि जो है करंट लाइबिलिटीज हो सकते हैं या फिर ये टर्म लोन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो सकती हैं राइट right? अब मुझे क्या पता है मुझे ये पता है कि मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए करंट एसेट्स मेरे पास रहने चाहिए फिक्स एसेट्स तो मेरे पास बने हुए हैं right? राइट तो ये एक थ्योरी कहती है कि अगर आपको अपना करंट एसेट फाइनेंस करना है तो करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस कर लेना चाहिए यानी कि करंट एसेट जो है वो करंट शॉर्ट टर्म लोन से ही हम लोग फाइनेंस कर लें लेकिन यूजुअली यूजुअली हम लोग क्या करते हैं हम थोड़े से लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी यूज करते हैं फॉर फाइनेंसिंग दी करंट एसेट्स लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म सोर्सेज यानी कि लोन्स या फिर हमारे ओनर्स की कैपिटल इसको भी यूज करते हैं हम लोग ताकि हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फंड बचा रहे फॉर मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट्स कोई अगर इमरजेंसी या कंटिजेंट रिक्वायरमेंट्स आती है तो उसको मीट करने के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी मेरे पास जो है करंट लाइबिलिटीज बची रहनी चाहिए तो इस वजह से करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज नहीं होता करंट एसेट जो है वो करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा रहेंगे और ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल राइट और ये जो करंट एसेट है वो ज्यादा कैसे हो गए करंट लाइबिलिटी क्योंकि मैंने कुछ करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस uh, कर लिए थे और इसलिए मेरी करंट लाइबिलिटीज कम है करंट एसेट्स मेरे ज्यादा है ठीक है सो बैंकर्स इन इंडिया एक्सपेक्ट दिस पोर्शन टू बिनिम ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट अराउंड 25 परसेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टोटल करंट एसेट्स का जो है वो कम से कम 25 परसेंट जो है वो आपका रहना चाहिए फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म सोर्स राइट नाउ यूजिंग दिस फंडा यूज यू नो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट हंड्रेड लैक द फर्म हैज शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑफ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज द अमाउंट ऑफ मार्जिन और नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट इन बाई सो करंट एसेट्स कितना है करंट एसेट इज हंड्रेड लैख करंट लाइबिलिटीज भी उसने बताई है शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज सेवेंटी फाइव लैख मीन करंट लाइबिलिटीज इज सेवेंटी फाइव लैख सो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लैक्स एंड दिस इज इक्वल टू नेटवर्किंग कैपिटल नेटवर्किंग कैपिटल क्या होती है दिस इज सी ए माइनस सी एल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी राइट अब यह जो एनडब्ल्यू सी है इसी को यूज करके उसने आगे बोलिया वट विल बी द करंट रेशियो ऑफ द फॉर्म वट इज करंट रेशियो करंट रेशियो इज करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज तो करंट एसेट इज हंड्रेड लैख करंट लाइबिलिटी सेवेंटी फाइव लैख दिस इज योर करंट रेशियो क्लियर सच सिंपल क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम इसी तरीके से आगे हम देखें accruals. Accruals जैसे मैंने आपको बताया इट रिप्रेजेंट्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म व्हिच हैज ऑलरेडी बट द पेमेंट हैज नॉट येट बीन डन आपकी इंटरेस्ट पेमेंट किसी को करनी बची है लेकिन अभी तक आपने वो पेमेंट करी नहीं है तो जब तक वो पेमेंट डेट आपकी नहीं आती आपके लिए वो लायबिलिटी यूजेबल है इसका मतलब क्या होगा कि आपको जैसे लेटेस्ट से हर महीने के थर्टीएथ या थर्टी फर्स्ट तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है पे ऑन लेटर से ऑफ़ द मंथ राइट सो फर्स्ट से ले लेकर के ट्वेंटी नाइन्थ तक आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है लगातार लेकिन आपने बिल पे नहीं किया है

राइट right, आप पूरे साल का टैक्स एक साथ भरते हो अगले साल में जाकर के तो उस पूरे साल में जितना प्रॉफिट आपने कमाया उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो टैक्स आपके पास ही है हालांकि आप उसको टैक्स को आपको पे करना पड़ेगा वो टैक्स आपका नहीं है द टैक्स हैज टू बी पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज बट टिल द टाइम द टैक्सेशन डेट कम्स वो टैक्स आप यूज करोगे तो उसको हम बोलते हैं के थ्रू हम अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहे हैं क्लियर है इसी तरीके से अगर मैं ट्रेड क्रेडिट की बात करूं तो यहां पर अगर हम डीले इन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम सप्लायर्स जो हैं जो भी हमें सामान हम जिनसे भी खरीद रहे हैं उनसे हम लोन पे सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए ट्रेड क्रेडिट है राइट अब कितना ट्रेड क्रेडिट हम ले सकते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा बिजनेस है मेरी रेप्यूटेशन कैसी है मार्केट के अंदर क्या लोग मुझे क्रेडिट देने को तैयार है या नहीं है राइट मेरे फॉर्म में टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या पोजिशन है क्या लोगों लोग जो है जो भी मेरे सप्लायर्स है वो मुझे लोन देते वक्त सोचते तो नहीं कि क्या ये लोन वापस कर पाए नहीं कर पाएगा तो मेरी कंपनी की हालत अच्छी है 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 तो उनको लगता है, लोन वापस हो जाएगा सो सो आर द द थिंग्स इन्फ्लुएंस ट्रेड क्रेडिट 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 राइट यहां पर हमें चीज दो चीजों का का ध्यान रखना होता होता पहला क्या कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कि देखो हर का एक होता है। लेकिन ट्रेड क्रेडिट में एक रिड्यूस पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड दे ग डिस्काउंट ऑल्सो अगर आप अपने सप्लायर्स को बोलो कि मैं आपको तुरंत कैश में पेमेंट कर रहा हूं मैं आपको तुरंत पेमेंट कर रहा हूं तो वो आपको सामान कम दाम पे बेचता है लेकिन अगर आप उसे बोलो कि ठीक है मैं आपको पेमेंट करूंगा लेकिन आपको दो महीने बाद तीन महीने बाद पेमेंट करूंगा तो वो आपको ज्यादा दाम पे सामान बेचता है तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम उसने अपने प्राइस में एड किया वो क्यों किया क्योंकि उसने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा है तो इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं कि, कि कितना हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा है अगर हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं उसके बाद लिक्विडिटी पोजिशन मेरे फर्म की कैसी है क्या मैं हायर क्रेडिट पीरियड के लिए तभी नेगोशिएट कर सकता हूं अगर मेरी लिक्विडिटी जो पीरियड है वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम मैं चाहूंगा कि मुझे ज्यादा लंबे पीरियड के लिए क्रेडिट दीजिए अगर मेरे पास क्रेडिट

फंड बेस्ड दूसरी है नॉन फंड बेस्ड फंड बेस्ड का मतलब है कि आप पैसे दे रहे हो लोन के फॉर्म में या कैश क्रेडिट दे रहे हो ओवरड्राफ्ट दे रहे हो लोन दे रहे हो या डिस्काउंटिंग कर रहे हो बिल्स की तो यहां पर कैश क्रेडिट मोस्ट प्रेट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लेंडिंग है सीधा बैंक अकाउंट में कैश दिया जाता है और बैंक जो है क्रेडिट जो लिमिट है वो सेट कर देते हैं वहां पे कैश क्रेडिट की तो जब भी आप अपने वो अकाउंट से जितने पैसे विथड्रॉ करना चाहें अप टू अ लिमिट यू कैन विथड्रॉ एंड यू कैन मैनेज योर यक्सपेंसिस और कुछ टाइम पीरियड के बाद छह महीने बाद एक साल बाद आपको वो सारा पैसा जो है वो बैंक के अंदर दोबारा से डिपॉजिट करना पड़ता है अलोंग विद इंटरेस्ट राइट नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या होते हैं लाइक लेटर्स ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स यहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी इज नॉट हैपनिंग, ओनली द गारंटी इज बिंग गिवन कि अगर आप डिफॉल्ट करने जाओगे अपने सप्लायर को तो मैं आपकी जगह पेमेंट कर दूंगा ऐसा बैंक मुझे प्रॉमिस कर रहा है सो बैंक इज गारंटिंग ऑन माय बिहाफ दैट आई विल मेक द पेमेंट बैंक इज नॉट डायरेक्टली गिविंग मी द लोन बैंक ने बोला मैं तुम्हें लोन नहीं दे रहा लेकिन अगर तुम्हें लोन की जरूरत पड़ी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा ठीक है है तो ये एक होती है। ये एक नॉन नॉन फंड 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 बेस्ड 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 फैसिलिटी फैसिलिटी होती में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बैंक को पैसा देना पड़ा तो अगर बैंक ने सिर्फ मुझे गारंटी दी है मुझे सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है तो इसका मतलब अभी मेरे को नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मिली है लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ गई पैसे की और मैंने डिफॉल्ट कर दिया और मुझे बैंक से पैसा लेना पड़ा तो ये फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो so, आजकल के समय बैंक्स किस तरीके से लोन देते हैं कैसे कितना लोन उनको कंपनी को देना है कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देना है ये सब चीजें बैंक खुद डिसाइड करता है पहले तो ये आरबीआई के द्वारा भी रेगुलेटेड होता था राइट right? उसके बाद पब्लिक एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिटो देर द कंपनीज एक्ट इट अलाउज दी सर्टन कंपनीज कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है कि वो पब्लिक से Deposits मंगा लें पब्लिक से डिपॉजिट से फिक्स डिपॉजिट मंगा लें और उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दें दूसरा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी होते हैं ये छह महीने तक के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से लेती है यानी कि कंपनी एक दूसरे से लोन ले रहे हैं और यूजली तीन महीने या छह महीने के डिनोमिनेशन में ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो ऑफर किए जाते हैं इसमें कॉल डिपॉजिट भी होता है जो डिमांड पे पेबल होता है राइट इट कैन बी विथ बाय द लेंडर बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ वन डे एक दिन के अंदर नोटिस देकर आप ये डिपॉजिट विद्रॉ कर सकते हो तो ऐसे डिपोजिट इनको हम इंटर कॉर्पोरेट बोलते हैं और इसके बाद वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिवेंचर भी इशू किए जा सकते हैं राइट right. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो शेयर होल्डर्स को अपने डिवेंचर्स इशू कर दें और राइट्स दे दें कि आप को हमें डिवेंचर हमसे खरीद लीजिए और हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर दीजिए राइट आफ्टर दैट कम्स अर कॉमर्शियल पेपर कॉमर्शियल पेपर इज अगेन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इंडिया में नाइनटीन से आया था इसकी बस बेसिक डिटेल्स आप समझ लीजिए कि कौन सी कंपनी पहले पेपर इशू करेगा ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज आप रेज कर सकते हैं एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद मिनिमम नेटवर्थ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ हंड्रेड करोड़ और हायर दे कैन इशू सीपीज एनी अदर एंटिटी जिसको रिजर्व बैंक ने स्पेसिफिकली परमिशन दी है वो भी सीपी इशू कर सकता है को मैक्सिमम सोसाइटी मिनिमम नेटवर्क ऑफ हंड्रेड करोड़ और हायर दे कैन ऑल्सो इशू सीपीज ओके अब सीपी में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा कॉमर्शियल पेपर में कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं खरीद सकते हैं ऑल रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स टू दी एक्सटेंट परमिटेड अंडर द फेमा कैन इन्वेस्ट इन ट डिपोजिट्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्रोवाइडेड नो एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट कॉमर्शियल रिलेटेड पार्टी अपनी की related party के ही commercial paper आप नहीं खरीद सकते लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर के दूसरे कॉमर्शियल पेपर दूसरी कंपनीज के यू कैन परचेज एंड यू कैन सेल राइट तो ये commercial पेपर भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है फाइनेंस को जुटाने का एक तरीके से आप बॉन्ड्स बेच रहे हैं और बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है वो पैसे आप अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने में यूज कर रहे हो राइट right? देन कमर्शियल पेपर से जुड़े कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्योरली थ्योरी है दोस्तों इसमें कुछ भी समझने के लिए खास नहीं है इस थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं राइट नेक्स्ट कम्सर फैक्टरिंग नाउ दिस इज समिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टरिंग एक प्रोसेस क्या है इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर असल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट इसमें पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है देर इज अटर

लोन पे सामान खरीदना चाहता है तो सेलर कहता है ठीक है लोन पे सामान खरीद लेते हैं राइट लोन पे आपको सामान में बेच देता हूं और मैं आपका बिल बना देता हूं राइट अब बिल जो मैं बना रहा हूं उसके ऊपर एक फैक्टर एजेंसी और एक फैक्टर बॉडी और आ जाती है जो कि यूजली एक बैंक हो सकता है या कोई दूसरा फाइनेंशियल मैनेजर भी हो सकता है जो फैक्टरिंग का, का काम करता हो यूजअली इंडिया में काम जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं ठीक है तो अब हुआ क्या कि क्लाइंट फर्म ने जो सेलर था इसने अपना एक बिल बना दिया जिसको मैंने मान लो बोल दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट और इसने क्रेडिट पे सेल कर रखी है यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो डेटर है वो कुछ महीने बाद लेटर से इसने बोला है सिक्स मंथ्स बाद आई विल मेक द पेमेंट ठीक है और इसके पास छह महीने का क्लाइंट के पास बिल बन गया अब ये क्लाइंट क्या बोलेगा ये अपना ये जो इनवॉइस है ये जो बिल है इस बिल को इस फैक्टर को सेल कर देगा इस बिल को फैक्टर को दे दिया और फैक्टर से अमाउंट रिसीव कर लिया यानी कि यह बिल जितने रुपए का भी था वो मैंने इस फैक्टर को दे दिया और इस फैक्टर से पैसे ले लिए अब इस फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक पेमेंट फ्रॉम द डेटर तो इससे फायदा क्या हुआ इससे जो क्लाइंट है वो रिस्क फ्री हो गया ये रिस्क फ्री हो गया सेलर रिस्क फ्री हो गया क्योंकि इसने जो सामान बेचा था उसका पेमेंट उसको गारंटीड मिल गई उसने फैक्टर से पेमेंट ले ली है और फैक्टर के और डेटर के बीच की बात हो गई है पेमेंट को लेना तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टरिंग

तो ये प्रोसेस होता है फैक्टरिंग का तो फैक्टरिंग आरबीआई ने बोला है कि बैंक्स विच ऑफर द फैक्टरिंग सर्विसेज दे शुड डिसाइड द परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस टू बी पेड अप्रट बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द बायर एंड अदर कॉमर्शियल कंसिडरेशन वो कह रहा है आरबीआई ने बोला बैंक को कि देखो यार तुम बिल्स खरीद तो लो तुम बिल्स यहां पर बिल्स खरीद लो नब्बे नब्बे हजार रुपए में कोई दिक्कत नहीं पर देख तो लो कि जो डेटर है कैन ही मेक द पेमेंट क्योंकि तुमको सब आके अपना बिल बेच देंगे और तुमको अगर पेमेंट नहीं मिली डेटर से तो फिर तुम्हारा बैंक का तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि अब रिस्क तो बैंक के ऊपर है ना रिस्क फैक्टर के ऊपर है अब डिफॉल्ट का अगर इस डेटर ने पेमेंट नहीं की तो नुकसान किसका होगा वो इस बैंक का होगा तो बैंक देख करके बिल खरीदे कि जिस पर्सन के रिलेटेड बिल को वो खरीद रहा है वो डेटर पेमेंट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है ठीक है सो कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन मेड बाई टेक्निकल कमेटी ऑन फेसिलिट एंड सर्विस टू द एक्सपोर्टर्स चेयरमैन श्री जी पद्मनाभन ये ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है इसको आप ध्यान रखिएगा बुक में है तो मैंने यहां भी आपके लिए में दिए इसमें बोल दिया गया कि आरबीआई डिसाइडेड टू परमिट ऑथोराइज डीलर बैंक टू फैक्टर द एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन मतलब क्या है ये जो फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग के प्रोसेस हैं वो एक्सपोर्ट बिजनेस में यूज किए जाते हैं जब भी हम एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का काम कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पर पेमेंट का जो रिस्क है वो पेमेंट का रिस्क हम करना चाहते हैं अगर मैं दूसरे देश में मेरा डेटर बैठा है अगर मैंने सामान जो है वो दूसरे देश में किसी पर्सन को बेचा है और मैं वो सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं उस पर्सन को तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी जो पेमेंट है वो गारंटीड हो जाए तो इस यूजली इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केसेस के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश में सामान को वो अपना बिल ले जाकर के बैंक्स में फैक्टरिंग करवाते हैं उसको बेच देते हैं राइट right? अब बैंक्स जो है वो ओवरसीज बायर से दूसरे देश में बैठे हुए बायर से वो पैसे को इकट्ठा करता है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है वो फिर फैक्टर के ऊपर आ जाती है तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जितने भी ऑथोराइज डीलर बैंक है ऑथोराइज डीलर आर बेसिकली और ब्रांचेस ऑफ द बैंक विच आर ऑथोराइज बाई आरबीआई टू डील इन दी फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन उनको उन्होंने अलाउ किया है कि एक्सपोर्ट के जो भी रिसीवेबल हों यानी जब भी आपने एक्सपोर्ट करके बिल बनाया है और एक्सपोर्टर यानी दूसरे देश के लोगों से आपको पैसे लेने हैं तो नॉन रिकोर्स बेसिस के ऊपर आप उनको पेमेंट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को फॉलो करके दो बेसिस होते हैं रिकोर्स बेसिस एंड नॉन रिकोर्स बेसिस तो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में सिंपल सा फर्क क्या होता है कि रिकोर्स बेसिस में इफ दी डेटर टू मेक द पेमेंट टू द फैक्टर अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो आप दोबारा क्लाइंट फर्म के पास जाएंगे और बोलेंगे कि देखो पेमेंट मेरी हुई नहीं राइट right? और नॉन रिकोर्स बेसिस होता है कि बैंक जो है वो कुछ नहीं जाएगा इस क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं होगा वेदर पेमेंट हैज मेड और नॉट राइट तो रिकोर्स बेसिस में आप फिर भी एक रिकॉर्स ले सकते हो क्लाइंट के पास जाके बोल सकते हो कि मुझे पेमेंट नहीं मिली और जो आपने आपको जो मैंने पेमेंट करी थी, वो पेमेंट से मुझे जो हिस्सा है वो वापस ये बिकॉज आई डिड नॉट रिसीव द पेमेंट नाउ दिस इज नोन एज द रिकोर्स बेसिस राइट नेक्स्ट इज यिंग फैक्टरिंग इज इन फैक्टरिंग एंड फोर फिटिंग अगर मैं फैक्टरिंग की बात करूं तो यहां पे फैक्टरिंग से जुड़े बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग राइट नेक्स्ट कम्स योर फोर फिटिंग राइट फोर फिटिंग के अंदर क्या हो रहा है दिस इज बेसिकली वेरी सिमिलर टू फैक्टरिंग बट अगेन इट इज डन ओनली इन द केसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स राइट वेयर द सेल इज सपोर्टेड बाय द बिल्स और प्रोमिसरी नोट राइट right? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि देर इज एन इंपोर्टर देर इज एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर इज द पर्सन दर्सन बी सेलिंग द गुड टू द इंपोर्टर तो उसने क्या बोला सबसे पहले दिस इंपोर्टर ही विल सेंड द रिसीवेबल्स फॉर अवेलिंग गारंटी ये अपने एक बैंक के पास जाएगा और इंपोर्टर जो है बैंक को बोलेगा कि आप मुझे गारंटी दीजिए कि मैं पेमेंट कर दूंगा मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूं राइट right? तो ये जो बैंक है वो गारंटीड रिसीवेबल्स इंपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ठीक है मैं आपको इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हो उसका पेमेंट मैं आपका जो है वो गारंटी करता हूं राइट right? तो ये पेमेंट की जो गारंटी आई हाँ, वो गारंटी एक्सपोर्टर को भेजी जाएगी ये एक्सपोर्टर को भरोसा मिल गया कि यस दिस इंपोर्टर विल बी मेकिंग द पेमेंट दिस इंपोर्टर विल मेक द पेमेंट बिकॉज ही बैंक गारंटी बैंक ने गारंटी किया अगर इंपोर्टर पे नहीं कर पाया तो बैंक तो पे कर ही देगा क्लियर तो नाउ एक्सपोर्टर ही विल गो टू हिज ओन बैंक वो बैंक को जाके क्या बोलेगा कि देखो दूसरे बैंक का गारंटीड रिसीवेबल मेरे पास है और इसको आप खरीद लीजिए और उसके बाद आप मैं जो सामान है वो मैं सामान सेल कर देता हूं इंपोर्टर को और सामान सेल करने के बाद जो भी पेमेंट बची रहेगी वो पेमेंट फोर फेटर और अवेलिंग बैंक के बीच में होगी राइट तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने दोनों ने अपना रिस्क यहां पर नलीफाई करने की कोशिश की है एक्सपोर्टर को सेल करना था उसे पेमेंट की गारंटी चाहिए थी कि मेरे को यूएस में सामान बेचना है तो मुझे गारंटी हो कि यूएस का जो मेरा कस्टमर है वो मुझे पेमेंट कर देगा राइट ये जो इंपोर्टर था इसको इंडिया से सामान खरीदना था उसे भी गारंटी चाहिए थी कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा मुझे एक्सपोर्टर को गारंटी देनी है तो वो अपने बैंक से गारंटी लेकर आता है और वो गारंटी एक्सपोर्टर को देता है कि ठीक है ये गारंटी देखो मेरे पास है आई विल मेक यू द पेमेंट दिस इज द गारंटी सो दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द गारंटी द गारंटीड रिसीवेबल ये एक्सपोर्टर वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा अपने बैंक के पास जिसको हम बोल रहे हैं फोर फेटर और उस बैंक के पास जाकर वो गारंटी दिखा देगा वो बोलेगा देखो यूएस का एक बैंक है उस बैंक की गारंटी में लेकर आया हूं तुम उस बैंक से पेमेंट ले लेना मैं इतना सामान जो है वो इंपोर्टर को सेल कर रहा हूं और मुझे इस गारंटी के बेसिस पे क्या दे दो फाइनेंस दे दो एक्सपोर्टर पैसे ले लेगा बैंक से राइट और ये बैंक को फाइनली पैसे कौन देगा ये अवेलिंग बैंक देगा और इस अवेलिंग बैंक को यह इंपोर्टर जो है वो पैसे दे रहा है क्लियर हो गया सो दिस इज नोन एज फोरफेटिंग सो फोरफेटिंग इज ऑलवेज विदाउट टू द क्लाइंट इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है एक्सपोर्टर का कोई लेना देना नहीं है कल को पेमेंट ये बैंक करता है या नहीं करता है देर इज नथिंग टू बी डन बाय द एक्सपोर्टर देर इज नो रिस्क टू बी अवेल्ड बाई द एक्सपोर्टर राइट दे फोर द एक्सपोर्टर डज नॉट कैरी द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर तो अगर ये बायर कल को डिफॉल्ट हो जाए चाहे ये बायर पेमेंट ना करे चाहे ये बैंक पेमेंट ना करे इसमें एक्सपोर्टर का कोई नुकसान नहीं है तो यूजुअली एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए हम फैक्टरिंग और फोरफेटिंग के प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं राइट सो आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग फोरफेटिंग अगेन आई मेंशन इट मैं बट अगेन दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ये इसके ऊपर आपको बहुत फैक्चुअल आते हैं अगर आपको आंसर करने यू कैन डू इट अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो राइट नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड एस टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं ट वर्किंग कैपिटल क्लियर नाउ विच आर अमंग्स द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल तो इंटर कॉर्पोरेट पब्लिक डिपोजिटिट फैक्टरिंग ये तीनों ही हमारे जो है वर्किंग कैपिटल को करने के सोर्सेज होते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ नेक्स्ट नाउ लेट टॉक अबाउट अ न्यू चैप्टर अ न्यू टॉपिक दैट इज डेरिवेटिव डेरिवेटिव के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं इसके ऊपर भी हमें तीन चार नंबर के सवाल एग्जाम में आते हैं डेरिवेटिव्स को अगर एग्जांपल से हम लोग समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन आर जेठा बाईजा बाई जो है उनको आईफोन 14 जो है वो सेल करना चाहते हैं और आईफोन 14 आई फोन फोर्टीन हीच आई फोन फोर्टीन लेटेस्ट से कॉस्ट रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो 10 आईफोन 14 फोर्टीन है और हर आईफोन 14 की कीमत उनके पास ₹50000 की है ठीक है सो ही वांट्स टू सेल दीस 10 फोन्स फॉर 1 लाख आफ्टर 1 ईयर इज वेरी श्योर ही इज वेरी श्योर वो बोल रहे हजार का आईफोन है लेकिन मैं इसको एक साल बाद एक लाख का बना करके बेचूंगा आई विल सेल दीज टोर्स फॉर वन लैख आफ्टर वन ईयर ही सेम्स इन द नेक्स्ट ईयर एंड द प्राइस डिक्लाइन क्योंकि अभी वो पूरा श्योर है कि उसने आईफोन फोर्टीन प्रोक्योर किया है पचास हजार में लेटेस्ट से यूएस गए और इंडिया में अब वो है कि मैं एक लाख का बेच दूंगा, एक साल बाद लेकिन लेकिन उसको डर क्या है? डर है कि अगर एक साल के अंदर आ गया, तो, की कीमत तो कम हो जाएगी मैं एक लाख का आईफोन फोर्टीन जो है वो बेच नहीं पाऊंगा राइट सो देर इज अ रिस्क ऑफ प्राइस चेंज इन द फ्यूचर राइट सो वॉट हीट वन लैक आफ्टर वन ईयर इसका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर देता है एक पर्सन से इसका मतलब है कि इनको डर था कि एक साल बाद ये प्राइस चेंज ना हो जाए प्राइस दस जो एक फोन का है वो एक लाख से कम ना हो जाए तो वो क्या कर रहा है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक पर्सन से उस पर्सन को बोला कि मैं आपको ये पर्सन ने बोला कि मैं आपसे एक लाख का एक आईफोन खरीद लूंगा एक साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया ये कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन ने किया है राइट इससे जेठालाल जी खुश हो गए अब जेठालाल जी का नेक्स्ट ईयर पक्की सेल होनी है एक लाख रुपए के अंदर वो इसके बारे में इसको लेकर के श्योर है राइट सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू सेल और टू बाय अ पर्टिकुलर एसेट एट अ प्री डिटर्मिंड प्राइस आफ्टर अ प्री डिटर्मिंड पीरियड यानी कि दो लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एसेट है उस एसेट को एक फिक्स दाम पर हम सेल करेंगे या हम खरीदेंगे यानी एक पार्टी बेचे पार्टी बेचेगी दूसरी खरीदेगी और इतने टाइम बाद हम इस फिक्स दाम पर खरीदेंगे उस एसेट को खरीदेंगे या बेचेंगे इसको हम बोलते हैं डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो जो डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इसके बाद एक खुद की वैल्यू बन जाती है वो खुद की वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है वो डिराइव हो रही है अंडरलाइंग एसेट से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड है आईफोन की कीमत

तो हमने स्टॉक्स की कीमत के ऊपर या बॉन्ड्स की प्राइसेस uh, के ऊपर या कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर यानी कि जो फिजिकल मेटल्स होते हैं ऑयल होता है जो भी कमोडिटीज होती हैं करेंसीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मार्केट एंड निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है चाहे वो स्टॉक्स हैं चाहे वो करेंसी है चाहे वो इंटरेस्ट रेट जो टाइम के साथ चेंज होती है मार्केट uh, जो ग्रोथ रेट्स है वो टाइम के साथ चेंज होती है वट एवर द फाइनेंशियल पैरामीटर विथ चेंजेस विद टाइम उस एसेट की वैल्यू से लिंक करके अगर हम कोई एसेट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डेरेवेटिव डेरेवेटिवी डिराइव है डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम चेंज इन इंटरेस्ट रेट फॉरन एक्सचेंज रेट क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट इंडेक्स प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट रेट स्वप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉरन करेंसी स्व

आर वैल्यू इट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दाइंग एसेट तो मान लीजिए जैसे हमारा कोई एक एसे गोल्ड ना गोल्ड प्राइस इट चेंजेस इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड तो हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट साइन कर लिया है बिटवीन मी एंड पर्सन नेम्ड ए बी और हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गोल्ड और वो कॉन्ट्रेक्ट क्या कहता है कि जो जो आ, मैं हूं आई विल सेल गोल्ड राइट right? अब ये जो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो अब एक तरीके से फिक्स हो गई आपका होगी क्योंकि छह महीने बाद फिक्स पे आप सेल कर रहे हो लेकिन आप समझिए कि गोल्ड की वैल्यू तो चेंज हो रही है अगर मेरे गोल्ड का प्राइस छह महीने बाद उस प्राइस से कम हो गया जितने प्राइस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी राइट लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस कम हो गया और मैंने जो प्राइस पे सेल करना है वो प्राइस ज्यादा था तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी अब क्योंकि अब ज्यादा प्राइस में गोल्ड सेल कर रहा हूं लेकिन गोल्ड का मार्केट प्राइस कम है तो एक अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के हिसाब से अगर आपके डेरिवेटिव आपके जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव राइट ये हाईली हाई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फाइनेंसिंग पे यूज किए जा रहे हैं लेवरेज का मतलब है कि इनकी वैल्यू पूरी तरीके से किसी थर्ड एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है राइट कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग और ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है इनका इनका प्राइस क्या होगा मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें इनिशियली आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती क्योंकि आपको कोई एसेट यहां पर इनिशियली आप किसी भी एसेट को, किसी भी 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 एसेट एसेट को को ऑलरेडी यूज़ करके अपना डेरिवेटिव्स उसके ऊपर बेस करा सकते हो और हमेशा फ्यूचर फ्यूचर में में सेटल होते हैं आज जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो फंडामेंटल हो फीचर है रिस्क फ्रॉम द बायर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू दिलर एंड एज सच आर वेरी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स याद रखिए डेरिवेटिव मूवमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है बायर से शिफ्ट होकर के कहा चला जाता है ठीक है कैसे जा रहा है जो भी हमने जेठालाल जी जे का एग्जाम्पल देखा तो जेठालाल एंड अ पर्सन दे साइड कॉन्ट्रैक्ट की जो ईयरफोन जो आईफोन्स है उसको हम फिक्स प्राइस पे सेल करेंगे तो रिस्क जो था रिस्क किसके ऊपर था रिस्क पहले था जेठालाल जी के ऊपर लेकिन जेठालाल जी का ये रिस्क अब सेलर के ऊपर ट्रांसफर हो गया क्योंकि उनको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसने बेचा है उसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है जो पर्सन उनसे आईफोन खरीदने आया था राइट सो द रिस्क विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम द बायर ऑफ द प्रोडक्ट टू द सेलर राइट डेरीवेटिव इंप्रूव द लिक्विटी ऑफ दंडलाइन इंस्ट्रमेंट जो अंडराइंग जो भी इंस्ट्रम है भी एसेट है उसकी लिक्विटी इंप्रूव होती है डेरेविस्ट बेसिसवरी प्राइस डिस्कवरी मार्केट में करने के लिए जो डेरेवेटिव है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स का क्या प्राइस मार्केट के अंदर चलना चाहिए वो उनके डेरीवेटिव ट्रेडिंग वैल्यू को देखकर भी डिटर्मिन किया जा सकता है राइट दे ऑल्सो प्रोवाइड बेटर अवेन्यूज फॉर रेजिंग मनी मनी रेस करने का एक और अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लोगों के पास दे दिया गया है और ये डेथ मार्केट्स की डेथ और मार्केट्स में जो अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल हैं वो भी बढ़ाने का काम करते हैं तो डेरिवेटिव्स यूज कौन करता है यूजुअली हेजर्स हेज फंड मैनेजर्स ट्रेडर्स ये लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं सो so हेजिंग जो है जैसे आपको पता है कि दो तरीके से कर सकते हैं या तो एक प्राइस फिक्स कर दे जैसे कि लीनियर वे हम एक हेजिंग कर सकते हैं कि मैंने बोल दिया मैं मानकर चलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस छह महीने बाद कम हो जाएगा गिर जाएगा ठीक है मुझे पता है गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा ऐसा मुझे लगता है तो मैं एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूं साइन कर लेता हूं मैं बोलता हूं कि मेरा जो गोल्ड का प्राइस है वो फ्यूचर में गिरने वाला है तो मैं एक पर्सन के पास जाता हूं और उस पर्सन को बोलता हूं कि मैं तुम्हें फ्यूचर में गोल्ड सेल करूंगा एट अ प्री डिटर्मिंड प्राइस और वो प्री डिटर्मिंड प्राइस मैं फ्यूचर में जो मुझे प्राइस लगता है उससे ज्यादा रखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का अभी जो प्राइस चल रहा है लेटेस्ट है वो थाउजेंड रुपीज का चल रहा है पर ग्राम एक एग्जाम्पल है थाउजेंड रुपीज पर ग्राम लेकिन मुझे लगता है छह महीने बाद ये प्राइस जो है कम होकर क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड रुपीज पर ग्राम राइट नाउ आई वॉन्ट टू मेक बेनिफिट आउट ऑफ इट तो मैं बेनिफिट कैसे उठाना चाहता हूं मैं बोल रहा हूं कि मैं फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने किसी पर्सन के साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने उसको क्या बोला कि जो गोल्ड है मैं आपसे फ्यूचर में आपको गोल्ड सेल करूंगा एट वन थाउजेंड रुपीज और उसने वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया क्योंकि उसको लगा कि शायद प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ जाएगा एक से भी ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो एक पर्सन है उसको लगा हजार से ज्यादा हो जाएगा तो मैं एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूं उसमें मुझे गारंटी मिल जाएगी कि हजार रुपये में गोल्ड मुझे मिल रहा है मेरा भी फायदा होगा क्योंकि मुझे लगा कि गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा नौ सौ हो जाएगा तो मैंने गारंटी कर लिया कि हजार रुपये में ही मैं गोल्ड बेचूंगा राइट तो अब मुझे क्या फायदा होगा इससे कि छह महीने बाद अगर गोल्ड का प्राइस नौ रुपए हो गया या हजार से कम हो गया तो आई विल सेल द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन क्योंकि मेरे लिए तो आसान है मैं नौ सौ में गोल्ड खरीद लूंगा अगर मुझे बेचना हुआ छह महीने बाद मेरे पास अभी तो गोल्ड है नहीं तो मैंने छह महीने बाद जाकर नौ सौ रुपए पर ग्राम के हिसाब से गोल्ड खरीदा और हजार रुपए पर ग्राम के हिसाब से गोल्ड बेच दिया मुझे उस पर सौ रुपए पर ग्राम का फायदा हुआ क्लियर तो ये जो तो एक लीनियर है कि मैंने फिक्स प्राइस कर दिया पहले ही हमारे एग्रीमेंट के अंदर दूसरा क्या है आई टेक इंश्योरेंस अगेंस्ट द प्राइस मूवमेंट प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले सकता हूं मैडिय फ्रेंड्स राइट सो आई कैन टेक एन इंश्योरेंस हाउ कैन आई आई टेक एन इंश्योरेंस दैट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर मैं मानकर चल रहा हूं कि जो मेरा प्राइस है वो नौ सौ रुपए हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट uh, uh, मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं जहां पर मैं बोल देता हूं कि देखो फ्यूचर में हजार से बढ़कर ग्यारह सौ रुपए प्राइस हो जाएगा मेरे गोल्ड का राइट right, तो मैंने एक तरीके से इंश्योरेंस ले ली है अगेंस्ट दी एडवर्स मूवमेंट ऑफ प्राइजेस तो मैंने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइस का बनाया है और उसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने जहां पर ग्यारह का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया कि ग्यारह सौ गोल्ड का प्राइस हो जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये होता है डेरिवेटिव में हेजिंग यानी कि फिक्स हेजिंग फिक्स प्राइस कर दो तो या फिर इंश्योरेंस ले लो एक प्राइस के अगेंस्ट राइट सो हेजर्स दे यूज दिस डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स फ्रॉम इरोजन इन वैल्यू ड्यू टू एडवर्स मार्केट प्राइस मूवमेंट्स अ हेजर इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन स्ट्रीमलाइनिंग फ्यूचर कैश फ्लोस ही इज मोस्ट कंसर्न वोलेटाइल अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं तो हेजर्स का काम जो है मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनके पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मार्केट प्राइस कम होने की वजह से इरोड ना हो जाए उनके पास कुछ स्टॉक है अब स्टॉक का प्राइस मार्केट में गिरता है तो उनका स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा उनकी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगा तो वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही साइन करेंगे कि भले मार्केट प्राइस कम हो जाए हम एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो है ये सेल कर देंगे हमारे शेयर्स को ठीक है तो वो इस तरीके से हेजर्स अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं दूसरी तरफ फाइनेंशियल फर्म्स लाइक बैंक्स दे कैन आल्सो डू दिस राइट फिर नॉन फाइनेंल फो लुक टू इन ट्रेडर्स हो गए वो क्विक मनी के चक्कर में तो उनका फायदा होता है अगर मार्केट प्राइस में वॉलिटिलिटी है मार्केट प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे तो इस डिफरेंस को यूज करके जो स्पेक्युलेटर्स है

और मैं जानता हूं कि गोल्ड की पोजीशन जो प्राइस है उसके अंदर फ्यूचर में चेंज हो सकता है तो मेरे पास गोल्ड नहीं है फिर भी मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं मैं ऐसा फॉरवर्ड एग्रीमेंट साइन करता हूं और मैं एक एक्सेसिव रिस्क लेता हूं कि गोल्ड का प्राइस जो है फ्यूचर में कम हो जाएगा मैं एक शॉर्ट पोजिशन लेता हूं उस और ये शॉर्ट पोजिशन में मैं क्या करूंगा मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एक पर्सन से जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड को फ्यूचर में वो गोल्ड नौ का होने वाला है मैं आपको जो है गोल्ड सेल करूंगा दो हजार रुपए में या ग्यारह सौ रुपए में या पंद्रह सौ रुपए में और अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो गया फ्यूचर में सच में प्राइस अगर गोल्ड का कम हो गया तो मुझे फायदा है मैं कम प्राइस पे उस वक्त गोल्ड खरीद लूंगा और जिसको भी मुझे हायर प्राइस पे बेचना था मैं बेच दूंगा मेरा फायदा हो जाएगा लेकिन उल्टा अगर हुआ अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो अब मेरे लिए नुकसान है नुकसान कैसे हो सकता है बिकॉज आई विल हैव टू गोल्ड है हायर प्राइस एंड देन आई विल सेल गोल्ड एट हायर प्राइस सो अगर मेरा हायर प्राइस जो मैंने सेट किया था उससे ज्यादा मार्केट के अंदर प्राइस हो गया तो मेरा नुकसान है अगर मार्केट के अंदर प्राइस मेरे सेट किए गए प्राइस के आसपास है तो मेरा उतना नुकसान नहीं होगा राइट तो क्विक मनी बनाने के लिए जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो यूजली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और जो है शॉर्ट पोजिशन या लॉन्ग पोजिशन को लेते हैं राइट नाउ द डेरिवेटिव मार्केट इज बेसिकली टू टाइप्स टू डिस्टिंग टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट पहला तो ओवर द काउंटर मार्केट होता है ओटीसी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको दीज आर आर द ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज दो या दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या दो हेज फंड या दो बैंक एक बैंक एक, एक हेज फंड आपस में अगर डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्ट को सेल या परचेज करते हैं तो इसको ओवर द काउंटर डेरिवेटिव बोलते हैं इसमें एक्सचेंज के थ्रू हम ट्रांजेक्शन को नहीं कर रहे हैं ठीक है दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरेवेटिव होते हैं जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं So, एक होंगे एक्सचेंज ट्रेडेड दूसरे होंगे ओवर द काउंटर ठीक है नाउ रेगुलेटर कौन है डेरिवेटिव का तो इंडिया के अंदर आरबीआई सेबी या फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ये हमारे रेगुलेटर हुआ करते थे लेकिन अब फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को मर्ज कर दिया गया आरबीआई के अंदर सेबी के अंदर तो यूजुअली अब आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरेवेटिव को रेगुलेट करता है और सेबी जो है वो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बेस्ड डेरीवेटिव है और जो कमोडिटीज के ऊपर बेस्ड डेरेवेटिव है उसको रेगुलेट करता है राइट और फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन जो पहले फॉरवर्ड्स और डेरिवेटिव्स के लिए अलग रेगुलेटर था अब उसको सेबी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है क्लियर इसके बाद हु इज द रेगुलेटर ऑफ इंटरेस्ट रेट तो याद रखिए इंटरेस्ट रेट का फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का और जो हमारे क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं वो डेरिवेटिव्स का सारा रेगुलेटर कौन है आरबीआई है राइट right? सिर्फ स्टॉक इक्विटीज एंड स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज उसके डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग का रेगुलेशन uh, से भी करता है क्लियर नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेवेटिव अब यह एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल चीज है जो हमें यहां पर समझनी है चार इंपॉर्टेंट तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए ऑप्शंस एंड ऑप्शन फ्यूचर्स क्या है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल और एन एसेट एट फ्यूचर डेट जैसे मैंने आपको बताया एक एग्रीमेंट कर लिया कि फ्यूचर में एक प्री डिटरमिंड प्राइस के ऊपर हम एक एसेट को सेल करेंगे या बाय करेंगे देन कम्स फॉरवर्ड्स

ठीक है ऑप्शन क्या होता है ये एक ऑप्शन होता है विच गिट ऑब्लिगेशन टू सेल द स्टॉक और बाय द स्टॉक क्योंकि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में तो आपको सेल या स्टॉप एग्रीमेंट हमने कर लिया है लेकिन ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो सेल करें या चाहे तो बाय करें अगर आप नहीं चाहते तो सेल या बाय जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था वो आप ना करें यह भी उसके अंदर ऑप्शन रहता है और फिर आते हैं swaps. Swaps में यूजुअली हम क्या करते हैं इंटरेस्ट रेट्स या किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसी कमोडिटी की वैल्यू जो चेंज होती है उसको हम स्वप कर सकते हैं ठीक है एक अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सॉफ्ट की फैसिलिटी भी डेरीवेटिव की होती है तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें पहले ही डिटर्मिन किया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी फ्यूचर में सेल करने या बाई करनी तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एक होगी बायर एक होगी सेलर राइट तो यहां पर जो सेलर है वो क्या बेट कर रहा है दैट प्राइस विल गो डाउन और जो बायर है वो क्या मानकर चल रहा है द प्राइस विल गो अप तो इस वजह से बायर को लग रहा है कि फ्यूचर में कीमत बढ़ जाएगी तो आज की कीमत पे इसको खरीद लेता हूं सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में कीमत कम हो जाएगी इसलिए आज हायर कीमत पे इसको बेच देता हूं राइट right? तो ऊपर हम आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी सेलर विल सेल टू बायर एंड बायर विल पे द मनी एट अ प्री डिटर्मिंड प्राइस दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट राइट सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट दे आर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड शुड बी ट्रांजेटेड ऑन द गिवन सेटलमेंट डेट इन द फ्यूचर ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं एंड ये लिक्विडिटी रिस्क को प्राइस वेरिएशन को अवॉइड करने में हमारे काम आते हैं अगर मेरा फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो उसका रिस्क मुझे ना पड़े इसके लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट बनाता हूं राइट आर मोस्ट यूजफुल इन फॉरेक्स फॉर एक्स अ स्पॉट ट्रांजेक्शन कैन बी कवर्ड फॉर अ मूव इन द फॉरवर्ड मार्केट जहां पर आपको पता हो कि फ्यूचर में करेंसी महंगी होने वाली है तो आप

क्योंकि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन कर दिया तो आपको पता है कि उसी अमाउंट के ऊपर आपको कमोडिटी को सेल करना है या बाय करना है तो योर दैट मच अमाउंट इज नाउ टाइड अप फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इसमें विलिंग पार्टी फाइंड आउट करना मुश्किल है क्योंकि यहां पर आपको देखिए दोनों तरफ सेलर और बायर ऐसी पार्टीज होनी चाहिए जहां पर दोनों को ऑपोजिट मूवमेंट होगी प्राइस में ऐसा लगता है एक पार्टी को लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा फ्यूचर में एक पार्टी को लगता है प्राइस कम हो जाएगा फ्यूचर में तो यूजुअली ऐसे दोनों पार्टीज मिलना भी मुश्किल हो जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राइट इसका मार्केट इनलिक्विड है क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते ये ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट है बिटवीन टू पार्टी साइन हुए हैं तो ये इनलिक्विड रहते हैं आप इसे किसी थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकते और कैंसिल करना भी इनको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर दो ही पार्टी इन्वॉल्व है ट right? सिमिलरली जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है बात यहां भी वही हो रही है यहां भी एक लीगल एग्रीमेंट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर फ्यूचर में हम खरीद लेंगे या बेच देंगे लेकिन ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर राइट right? तो अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होते हैं और जो फॉरवर्ड्स हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं यानी कि दो पार्टीज ने मिलकर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया दोनों की जरूरतों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कस्टमाइज है अकॉर्डिंग टू द टू पार्टीज वाइल द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दे आर स्टैंडर्डाइज फॉर एवरी राइट ट्रेडिंग ओवर द काउंटर होते हैं फॉरवर्ड की लेकिन फ्यूचर्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होंगे जो फॉरवर्ड है वो लेस लिक्विड होगा क्योंकि एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है और हाईली लिक्विड होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे कैन बी ट्रेडेड ऑन ऑन एन एक्सचेंज सेटलमेंट जो है वो एंड ऑफ द पीरियड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की होगी और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है इसकी डेली डिलीवरी जब भी आपकी डिलीवरी होती है जब भी आपका ऑफसेट होता है तब उसकी सेटलमेंट हो जाएगी मार्जिन क्या होता है कोई मार्जिन नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देर इज अ मार्जिन विच नीड्स टू बी पेड कंपल्सरली दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर एक मार्जिन भी आपको पे करना पड़ता है अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट uh, को खरीद रहे हैं क्लियर

जिस एसेट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है उस एसेट का क्या प्राइस चल रहा है उसके ऊपर फ्यूचर उस, uh, का प्राइस बेस्ड होगा उसके अलावा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग स्टोरिंग इंश्योरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑल दीज कॉस्ट आर अगेन एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट देन द इनकम दैट कैन बी अर्न फ्रॉम द एसेट दैट वैल्यू ऑफ द इनकम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट राइट सो द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इक्वल टू द स्पॉट प्राइस ऑफ द इंटरलाइंग एसेट कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट एसेट माइनस द इनकम दैट यू कैन गेट ऑन दैट एसे बी दूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस राइट नाइप ऑफ डेरिवेटिव स्वपस्टमेंट दो पार्टीज के बीच होता है बिटवीन टू पार्टीज विच एक्सचेंज द कैश फ्लो और लाइबिलिटीज फ्रॉम टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्वेप का मतलब होता है अदला बदली दो पार्टीज ने पहले एग्रीमेंट कर रखा है कि फ्यूचर में दोनों पार्टी के पास एक एक एसेट है और उस एसेट से कुछ फ्यूचर में कैश फ्लोज आते हैं उनको कुछ इनकम आती है दोनों पार्टीज अगर चाहें तो वो इस अपने अपने एसेट्स को स्वैप कर सकती हैं यानी कि एक पार्टी को दूसरे एसेट के इनकम मिलने लगेगी और दूसरी पार्टी को पहली पार्टी की इनकम मिलने लगेगी इसको हम बोलते हैं स्वॉपिंग करना ठीक है सो स्वॉपिंग में एक पहले ही बायलेटरल एग्रीमेंट साइन होगा होना प्री अरेज फॉर्मुला जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट स्वॉप यहां पर क्या होता है वेयर कैश फ्लोज एट अ फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सचेंज फॉर कैश फ्लोज लिंगड टू अ फ्लोटिंग रेट ओवर अ पीरियड तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि आप लोन लेने गए अपने होम के लिए और आप, आपके सामने जो लोन देने वाला पर्सन है उसने आपको ऑप्शन दिया कि आप लोन जो है अभी जो लेना चाहते हो वो आप एक फिक्स रेट पे ले लो और मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि फ्यूचर में अगर आपको लगा कि आपका जो रेट है वो ज्यादा है और आप फ्लोटिंग पे शिफ्ट होना चाहते हो तो आप अपनी इंटरेस्ट रेट को शिफ्ट कर लेना फ्लोटिंग के ऊपर ठीक है तो ये एक स्वाप है कि आपने एक इंटरेस्ट रेट से जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे अब आप उसको स्वैप करके दूसरे इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दोगे सो यू एक्स स्वप्ड वन इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर राइट प्रिंसिपल का कोई एक्सचेंज नहीं है जो अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू है वो तो उतना ही रहेगा तो मान लीजिए मेरी कंपनी है ए एक कंपनी है बी कंपनी ए के पास एक रेंटेड बिल्डिंग है कंपनी एक उस रेंटेड बिल्डिंग से दस हजार रुपए की मंथली इनकम आती है ठीक है कंपनी बी है कंपनी बी के पास भी एक इन्वेस्टमेंट है उन्होंने कोई लेटेस्ट से कोई स्टॉक खरीद, खरीद रखा है कोई प्राइस खरीद रखा है जिससे उनको मंथली लेटेस्ट से हंड्रेड रुपीज का डिविडेंड आता है थाउजेंड तो करना पड़ेगा टेन के करना करना पड़ेगा क्योंकि अगर प्राइसेस में बहुत डिफरेंस रहे तो स्वॉपिंग यूजली पार्टीज नहीं करती हैं वो नहीं इसके लिए राजी होती हैं तो यहां पर क्या हुआ ये जो बी है इसको भी मंथली लेटेस्ट से हंड्रेड रुपीज की पेमेंट होती है लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं स्वॉपिंग करने का तो यहां पर क्या होता है कि दोनों पार्टीज के पास राइट आ जाता है कि अगर वो चाहे फ्यूचर में तो ए पार्टी को ये जो हंड्रेड रुपीज मंथली का डिविडेंड है वो मिलने लगेगा और बी पार्टी को टेन थाउजेंड मंथली का जो इनकम पे आउट है वो मिलने लगेगा ठीक है तो ये होता है स्वाप तो इंटरेस्ट रेट स्वाप में हम इंटरेस्ट रेट्स को स्वाप कर लेते हैं एक इंटरेस्ट रेट की जगह दूसरी इंटरेस्ट रेट जो है वो लेने लगते हैं ठीक है करेंसी स्वॉप क्या कह रहा है करेंसी स्वॉप में कैश फ्लोज इन वन करेंसी आर एक्सचेंज फॉर कैश कैश्लोज इन अनदर करेंसी तो दूसरी करेंसी अगर आपको लगता है ज्यादा लिक्रेटिव है तो उसमें आपको जो है पेमेंट मिलने लगेगी बेसिस स्वॉप में दिस टाइप ऑफ स्वॉप एग्रीमेंट इन विच टू पार्टीज एग्री टू स्व वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन डिफरेंट मनी मार्केट रेफरेंस रेट यानी कि दोनों पार्टीज के पास फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है दोनों के पास फ्लोटिंग रेट है लेकिन एक पार्टी दूसरे एक्सचेंज के साथ लिंक्ड है दूसरी पार्टी दूसरे के साथ लिंक्ड है तो उन्होंने अपने अगर इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर लिया तो हमारा बेसिस स्वॉप बन जाता है राइट सो दे आर टू क्रिएट सिंथेटिक और फ्लोटिंग रेट लाइबिलिटीज और एसेट्स दे यूज टू हेज अगेंस्ट एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट एंड एंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट टूल ऑल्सो इससे हमारी फंडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हम सॉप का यूज कर सकते हैं कि हमें अभी लग रहा है कि मैंने जो लोन ले रखा है उसके ऊपर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो आई कैन मेक द सॉप टू अ लोअर इंटरेस्ट रेट सो दैट इज बेसिकली यूजफुलनेस ऑफ दॉप बाद में आते हैं हमारे ऑप्शन ऑप्शन अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आप अंडरलाइन सिक्योरिटीज पे बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और यहां पर अगेन एक बायर होता है एक सेलर होता है और इसके अंदर जो बायर है उसके पास राइट right होता है ऑब्लिगेशन नहीं है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन टू परचेज और बाय दी एसेट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन ऑप्शंस में ये एग्रीमेंट होता है कि आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं लेकिन आप जरूरी नहीं है तो दिस होल्डर पर्सन हु गिव्स बायर राइट दिस कॉन्ट्रैक्ट इट विल अलाउ देम टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम लेकिन इट इज ओनली अ राइट अगर वो चाहे तो बेचेगा अगर वो चाहे तो नहीं बेचेगा ठीक है Similarly, the price paid by the buyer to the seller to acquire the right to buy or sell is called a premium. And the exercise date is the date on which the option is exercised. उसको हम exercise date बोलेंगे। तो इसमें आपके दो तरीके के option होते हैं। call option, एक put option। जैसे हमने bonds में देखा था callable bonds, putable bonds। तो call option क्या होता है? Buyer of the call, right to buy but not obligation to buy. And put option का मतलब होता है right to sell but not an obligation to sell। यानी कि अगेन वही example लें iPhone वाला, तो वहाँ पर जेठालालजी अगर futures contract की जगह है,

ठीक है लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आप ऑब्लिगेटेड टू बाय हो ठीक है तो पुट ऑप्शन में क्या होगा द द सेलर सेलर ऑफ ऑफ पुट इज ऑब्लिगेटेड ऑब्लिगेटेड टू टू बाय एंड कॉल कॉल ऑप्शन में विल बी सेल यानी कि जो भी कमोडिटी है ठीक है तो अगर गोल्ड की बात हो रही है और एक कॉल ऑप्शन साइन किया गया है तो देर विल बी अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन देर विल बी अ सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन जो सेलर है और जो बायर है इसमें बायर के पास राइट क्या है कि वो चाहे तो फ्यूचर में उस गोल्ड को प्री डिटर्मिंट प्राइस के ऊपर खरीद ले अगर वो नहीं चाहता तो ना खरीदे ठीक है लेकिन जो सेलर ऑफ द गोल्ड है उसको तो गोल्ड सेल करना पड़ेगा अगर बायर ने बोल दिया मुझे खरीदना है अगर बायर बायर नहीं खरीदना चाहता तो मत बेचो लेकिन अगर बायर ने कहा कि मैं खरीदना चाहता हूं तो फिर आपको बेचना पड़ेगा ठीक है सिमिलरली पुट ऑप्शन अगर सेल करते तो क्या होगा द बायर ही हैज अ राइट टू सेल सेलर ऑफ द गोल्ड हैज अ राइट टू सेल लेकिन अगर वो चाहे तो ना सेल करे तो वो ना सेल करे लेकिन अगर वो सेल करना चाहता है तो आपको जरूरी खरीदना पड़ेगा दैट इज अ पुट ऑप्शन राइट सो कॉल ऑप्शन में द वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस क्योंकि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तब जो बायर ऑफ कॉल है उसको बाई जो है बाई करने का जो राइट है उसका मजबूत हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में और आपने तो प्राइस फिक्स करा रखा है तो आपको खरीदने में फायदा है अभी लेकिन पुट वैल्यू ऑप्शन डिक्रीजेज वन दी अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज क्योंकि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो सेल करना वाला नहीं चाहेगा कि मैं सेल करूं ठीक है अगर प्राइस बढ़ गई है मार्केट के अंदर तो वो प्री फिक्स प्राइस पे पुराने प्राइस पे कम प्राइस पे सेल नहीं करना चाहेगा सेलर तो वो शायद अपना पोर्ट ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे राइट right? वो ना सेल करे तो इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है सो इन अ कॉल ऑप्शन द द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स दे दे लुक लुक फॉर फॉर अ अ प्राइस प्राइस इन इन पुट ऑप्शन फॉल राइट क्योंकि बायर जो है बायर ही तो खरीदता है ना बायर तो चाहेगा कि प्राइस बढ़ जाए तब मैं उसको छोटे कम प्राइस पे खरीद दूं और जो बायर है वो पुट ऑप्शन का वो चाहेगा कि मैं बेचूं ज्यादा प्राइस पे और कम प्राइस पे ना बेचूं फिक्स प्राइस पे ना बेचूं राइट पोटेंशियल गेन अनलिमिटेड होता है कॉल ऑप्शन में पोटेंशियल गेन पुट ऑप्शन में लिमिटेड होता है क्योंकि अगर आप सेल करें भी तो कितना प्रॉफिट आप कमा लेंगे आप जो प्री डिटरमिंड प्राइस है उससे कितनी वैल्यू नीचे गई है उतना ही आप प्राइस जो है उतना ही जो आप अपना गेन है कमा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी ज्यादा चला जाए आप उसको पुराने प्री डिटरमिंड फिक्स प्राइस के ऊपर ही बेचोगे खरीदोगे इसका मतलब आपको कितना भी अनलिमिटेड गेन वहां से हो सकता है राइट right? Now what about the derivatives market in India? So in India, let us say first of all forward rate agreements की बात करते हैं। Forward rate agreements are basically uh, you know very widely used derivative products in Indian market। यहाँ पर क्या होता है? Let us take an example। A person he she wants a loan of one crore rupees for a period of six months after six months। मुझे एक करोड़ का loan चाहिए, लेकिन आज नहीं चाहिए, छह महीने के बाद चाहिए और सिर्फ छह महीनों के लिए चाहिए। ठीक है?

तो मेरे पास एक एफ आर है एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आता है इंटरमीडियर कोई पर्सन हो सकता है हेज फंड मैनेजर हो सकता है या फिर कोई बैंकर हो सकता है या कोई अलग दूसरा बैंक भी हो सकता है या हो सकता है इसी बैंक का ही कोई डिपार्टमेंट हो दिस पार्टी इट कैन बी पार्ट ऑफ द बैंक और इट कैन बी इंडिपेंडेंट यह पार्टी मुझे कहता है कि ठीक है तुमसे नौ परसेंट का रेट फिक्स कर देते हैं राइट right? अगर तुम्हें छह महीने बाद लोन लेने इस बैंक के पास जाओगे नौ परसेंट में ही अगर लोन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नौ परसेंट से ज्यादा परसेंट पे लोन मिला यानी अगर आपको 10 पे लोन मिला तो मैं आपको एक परसेंट जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको नौ परसेंट पे सही था लेकिन आपको दस परसेंट पे लोन मिला है तो ये जो एक परसेंट के रेट से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगी ठीक है आपको इफेक्टिवली नौ परसेंट का ही लोन पड़ेगा लेकिन इसका नुकसान क्या है नुकसान यह है कि छह महीने बाद अगर रेट कम होकर आठ हो गया तो ये जो एक परसेंट है एक परसेंट कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा था तो आप बैंक को तो आठ परसेंट ही दोगे एक परसेंट मुझे दे दो आपको किसी भी हालत में चाहे इंटरेस्ट रेट नौ से बढ़े या कम हो आपको नौ परसेंट ही रेट फिक्स पड़ेगा ये एग्रीमेंट लेकर के इंटरमीडिएट मेरे पास आता है और अब मेरे ऊपर यह डिसीजन है कि अब मुझे क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या ये लोन का इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा या कम होगा तो अगर मैं इस रिस्क को नहीं चाहता हूं मेरे को आज जितना रेट है नौ परसेंट का वो रेट चलेगा तो मैं बोलता हूं ठीक है नो प्रॉब्लम वेदर द रेट इंक्रीजेस आई वॉन्ट नाइन परसेंट इंटरेस्ट रेट इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेट आई विल ओनली पे द रेट नाइन परसेंट इन वट एवर इज द इंक्रीज वो मेरा इंटरमीडियरी पे करेगा अगर वो इंटरेस्ट रेट नौ परसेंट से कम हो गया तो जो कम हुआ जितना इंटरेस्ट रेट कम हुआ उसमें से एक्स्ट्रा करके मैं इंटरमीडियरी को पैसा दूंगा ताकि मेरा इफेक्टिव रेट नाइन परसेंट ही पड़े तो इसमें फायदा क्या है मुझे फायदा क्या हुआ मुझे रिस्क फ्री हो गया एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मुझे मिल गया अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या चेंज हो रहा है यह मुझे चिंता की बात नहीं है ठीक है इस इंटरमीडियरी को क्या मिला है इंटरमीडियरी ने एक रिस्क लिया है और इसको एक इनकम मिल रही है उसके बेसिस में कि इंटरमीडियरी इज बेटिंग ऑन द फैक्ट कि जो 9 परसेंट का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा ठीक है यह मानकर चल रहा है कि नौ परसेंट का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा फ्यूचर में और इस परसेंट से मैं एक्स्ट्रा इनकम डिराइव करूंगा तो ये होता है एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कि मैंने फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने का एक एग्रीमेंट जो है है वो साइन कर लिया सो दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट दे आर इजी टू कस्टमाइज एंड द साइज ऑफ द द लोन अमाउंट पीरियड ऑफ द लोन अमाउंट ये भी कस्टमर के हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं एंड द कमिटमेंट इज ओनली टू सेटल द इंटरेस्ट डिफरेंशियल कि जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो फॉरन जो इंटरमीडियर है वो आपको पे कर देगा तो अगर आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और मार्केट में ज्यादा हो गया तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट बढ़ा उसका पेमेंट आपको इंटरमीडियरी कर देगा और अगर आपके फिक्स रेट से कम रेट हो गया मार्केट के अंदर तो आपको इंटरमीडियरी को पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक है नौ द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आर यूज टू हेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क को हज करने के लिए किया जाता है और ये अगेन कोई बहुत लिक्विड मार्केट नहीं है क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं कि लोन्स के हिसाब से पूरा कस्टमाइड आपका एग्रीमेंट बनता है कि कितने अमाउंट का लोन है कितना उसका टेन्योर है कितना उसका इंटरेस्ट रेट है ये सारी चीजें पहले से डिटर्मेंट होती है तो बहुत हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट ये नहीं होते ठीक है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज बाय विच दे एग्री टू सेटल बिटवीन देम द इंटरेस्ट डिफरेंशियल ओनली कि जो भी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आएगा फिक्स जितना हमने किया है और मार्केट में जितना चल रहा है उसके बीच में वो चीज हम उसकी पेमेंट एक पार्टी दूसरी पार्टी को करेगी राइट द पर्सन हु हैज अ कमिटमेंट टू बोरो द मनी एट अ फ्यूचर पॉइंट ही बाइज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड अ पर्सन हु हैज कमिटमेंट टू लेंड मनी एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम ही सेल्स द एग्रीमेंट टू हेज हिज इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर राइट सो ऑल दिस वॉज द डिस्कशन दैट वी है एज वेल एज रिगार्डिंग योर वर्किंग कैप्टर साइकिल एंड लीजेस एंडिंग दिस डिस्कशन अगेन आई वड लाइक टू रिमाइंड यूबाउट दिस क्रैश कोर्स दैट वी एव स्टार्टेड फॉर द एफ एम कॉम्पोनेट ओनली इन सेवन हंड्रेड रुपज यू आर गटिंग लाइव क्लासेस दिस लाइव क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल इन रिकॉर्ड फॉर्मेट एज वेल एज यू आर गेटिंग शॉर्ट टर्म नोट्स शॉर्ट रिविजन नोट्स एंड टेस्ट सीरीज फाइव फुलेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टरवाइज क्वेश्वज भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलते हैं तो इस कोर्स को जरूर एक्सप्लोर एक बार करिए और जे ए आई आई बी सेवेंटी कोड ये जरूर यूज करिएगा अगर आपको इस कोर्स में सेवेंटी परसेंट ऑफ को अवेल करना है सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड पढ़ते रहो बढ़ते रहो जय हिंद